We'll be live. Mighty Titan returned home for some downtime. Little did he know that while he performed his evening routine, trouble was brewing. My name is Dian Uza, और आज हम बात करेंगे Godzilla vs. Kong के ट्रेलर के बारे में, जो काफी खतरनाक। ट्रेलर देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये काफी एपिक मूवी रहने वाली है, जिसमें Godzilla और कॉन्ग आमने सामने आ चुके हैं। वैसे तो लोगों को क्लैश देखने में काफी मजा आता है, जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, ऑप्टिमस प्राइम वर्सेस बम्बलबी, हल्क बस्टर वर्सेस हल्क, थॉर वर्सेस हल्क। वैसे ही वार्नर ब्रोस ने इस बार कॉन्ग को Godzilla के सामने खड़ा कर दिया। ट्रेलर में जो VFX है, जो एक्शन सीन्स है, वो काफी जबरदस्त है। वो देख के पता चला है मूवी काफी जबरदस्त रहने वाली है। ट्रेलर में दिखाया गया कि Godzilla थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। वो पहले ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन वही Godzilla इस बार ह्यूमैनिटी को मारने पे तुला हुआ है। उसके सामने लड़ने के लिए कॉन्ग को स्कल आइलैंड से लाया जा रहा है, और उसके सामने एक छोटी सी बच्ची भी है, क्योंकि कॉन्ग उसी की बात समझता है, वैसे भी वो लड़की की ही बात समझता है, जैसे ब्रायन है। लास्ट पर Godzilla द किंग ऑफ मॉन्स्टर में Godzilla ने सबसे पावरफुल मॉन्स्टर का सामना किया था, जिसका नाम था मॉन्स्टर जीरो। एंड में Godzilla को कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जीरो को हरा पाता है। Godzilla वैसे तो ह्यूमैनिटी को काफी प्रोटेक्ट करता है और अर्थ का बैलेंस बनाए रखना चाहता है, लेकिन ये कुछ अलग ही है। जैसे ऑप्टिमस प्राइम को हुआ था ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट में, वो अपने ही लोगों से लड़ने लगा था, वैसे ही Godzilla अपने लोगों से यहाँ लड़ने लगा। उसको रोकने के लिए कॉन्ग को स्कल आइलैंड से लाया जा रहा है, ताकि वो Godzilla का सामना कर सके। इसमें काफी सारे एक्शन सीन्स दिखाए गए, जहां कॉन्ग Godzilla पे काफी भारी पड़ रहा है, और ट्रेलर के लास्ट सीन में भी दिखाया गया कि Godzilla की लाइट बीम को रोककर कॉन्ग उसे मारना जा रहा है, जो काफी जबरदस्त है। अगर आपने Godzilla द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स और कॉन्ग द स्कल आइलैंड नहीं देखिए, तो मेरा सजेशन है वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये मूवी उन दोनों पार्ट से कनेक्टेड है। आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर, मेरा ये मानना है कि ये मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के कॉन्सेप्ट की तरह होगी, जहां बैटमैन और सुपरमैन दोनों आपस में लड़ रहे, लेकिन एंड में वो तीसरे मॉन्स्टर से लड़ रहे जो एक्चुअल में विलन। सेम ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही होगा कि कॉन्ग और Godzilla दोनों आपस में लड़ रहे, लेकिन एंड में दोनों किसी और मॉन्स्टर के सामने लड़ रहे। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो Godzilla द किंग ऑफ मॉन्स्टर में जो लोग कास्ट किए गए थे, वही लोग इसी में। कॉन्ग द स्कल आइलैंड में से कोई भी कैरेक्टर इसमें नहीं है। ब्रायन लार्सन को लिया होता तो अच्छा होता। ये फाइट हमें देखने को मिलेगी मार्च 2021 में। ये थिएटर्स प्लस HBO मैक्स में रिलीज होने वाली है। अगर आपके नियर बाय IMAX थिएटर अवेलेबल है, तो मेरा सजेशन है कि तो सेफ्टी के साथ उसे वहां जाकर ही देखें। Okay guys, if you like my video, please like, share and subscribe. I'll be back with another video. Stay safe.